हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल सो आज हमारी फर्स्ट राउंड की फर्स्ट काउंसिल राउंड की सीट एलोकेशन स्टार्ट हो गई है फॉर जोसा जो कि हमारे

आज इस वीडियो में हम तीनों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि तीनों ऑप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या रोल प्ले करेंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस में और आपको कब अमाउंट पे करना है इन तीनों जो आप लोग के पास ऑप्शन हैं या फिर फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए क्या प्रोसेस होगा सो so, सबसे पहले आपका जो फ्रीज ऑप्शन है आपकी फील्ड प्रेफरेंसेस में से आपको जो कैंपस अलॉट हुआ है अगर आप उस कैंपस के साथ ओके okay हैं और उस डोमेन के साथ जिस डिपार्टमेंट में आपको कैंपस अलॉट हुआ है एडमिशन हुआ है उसमें आप हंड्रेड परसेंट श्योर है कि आप जाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कैंपस में तो आप फ्रीज कर सकते हैं जब आप फ्रीज़ करेंगे आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा तो आप फर्दर काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने फ्रीज कर दिया है आपने एडमिशन अपना कंफर्म कर दिया है उस पर्टिकुलर कॉलेज में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्लाइड स्लाइड ऑप्शन का मतलब होता है जिस कॉलेज में आपको जो डिजा, जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट के ऊपर uh, वाले प्रेफरेंसेस में अगर आपने जो अः uh, उसी सेम कैंपस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट फिल किए होंगे चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे सी एस आई टी और भी जो कोई भी डिपार्टमेंट है फिर वो डिपार्टमेंट कंसिडर होते हैं बट सेम कॉलेज में स्लाइड का मतलब है सेम कॉलेज में आपको आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा आपके फील्ड प्रेफरेंसेस में और वो भी ऊपर के प्रेफरेंसेस में कभी नीचे के प्रेफरेंसेस में नहीं आपका स्लाइड ऑप्शन वर्क करता है अब स्लाइड ऑप्शन में भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो भी आपको फी पे करनी ही पड़ेगी तभी आप सेकंड काउंसलिंग में स्लाइड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं अब थर्ड ऑप्शन जो है हमारा लास्ट ऑप्शन जिसे बोला गया है फ्लोट फ्लोट का मतलब होता है जिस कैंपस में आपको जिस भी डिपार्टमेंट के साथ सीट अलॉट हुई है फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आपको उस पर्टिकुलर कैंपस के ऊपर वाले अपने फील्ड प्रेफरेंसेस में फर्दर uh, जाना है तो आप फ्लोट का ऑप्शन चूज करेंगे बट फ्लोट के ऑप्शन में आपके पास कॉलेज चेंज होता है हाँ कैंपस uh, वो डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है बट कई बार कॉलेज कॉलेज चे, भी चेंज होता है और अगर नहीं चेंज हो रहा होगा तो आपको सेम सेम कैंपस और डिपार्टमेंट के साथ अलॉट हो जाएगा अगर आपका फ्लोट ऑप्शन नहीं फर्दर अपग्रेड हुआ तो अब मूविंग अहेड कि हमारे पास कौन सी लास्ट डेट है फी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट है हमारी ट्वेंटी जून मंडे को मंडे को शाम को आ, पाँच बजे तक आपके पास टाइम है फी पे करने के लिए बट प्लीज लास्ट डे का टाइम मत रखिएगा बिकॉज लास्ट डे बहुत सारे स्टूडेंट साइट पे जाते हैं तो साइट इशू साइट हैंग हो जाती है साइट इशू हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो लास्ट डे का वेट मत करिएगा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ चाहे आपको स्लाइड ऑप्शन चूज करना हो चाहे अपग्रेड चूज करना हो चाहे फ्रीज चूज करना हो आपको फीस पे करनी ही पड़ेगी ये हंड्रेड श्योर sure है फिर जो आपका सेकंड सीट एलोकेशन होगा वो आपका होगा ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जून को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ को हमारा फी uh, पेमेंट हो जाएगा ट्वेंटी फिफ्थ को हमारा फी पेमेंट इश्यूज अगर कैंडिडेट्स को रहेगा तो वो uh, uh, तो वो आपका एड्रेस किया जाएगा और ट्वेंटी सिक्स को लास्ट डे रहेगा अगर आपको राउंड वन का सीट एलोकेशन प्रोसेस में कोई क्वेरी रेस करनी है तो वो और फिर ट्वेंटी को हमारा सेकेंड सीट एलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो ये है हमारा अभी का सीट एलोकेशन प्रोसेस इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दैनल थैंक यू सो मच